your trail and the love's in your mind and the love's in your head. Let me escape from this some love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. तो जी कैसा दिया? नहीं दिया अच्छा, ये तो था इंट्रो, लेकिन स्टोरी सुनाना भी तो बनता है ना यार। तो हुआ कुछ यूँ कि मेरे भाई के पेपर चल रहे थे, मेरे भाई ने मेरे फादर से आके पूछा कि क्या हम पेपर्स के बाद सोमयानी जा सकते हैं, मैं नमीर को भी साथ देके जाऊँगा। पहले तो मैं हैरान हुआ कि मुझे कैसे लेके जा रहा है साथ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त करीब आता है उसने फिर बोला तो मुझे यकीन आ गया। पहली बार ऐसा फील हुआ कि हम बड़े हो गए हैं और अब्बू ने भी इजाज़त दे दी, क्योंकि अब्बू भी पहले गए हुए हैं, सेफ एरिया है, आर्मी का है ना, शश के भी तो मानने हैं ना। फिर तो हमारा प्लान कुछ यूँ था कि हम घर से निकल के पेट्रोल के टैंक फुल कराएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे शहीद भाई के घर। वो क्यों? क्योंकि हमारी थी दो गाड़ियाँ, हमने शहीद भाई को ज्वाइन करना था क्योंकि हम टोटल 10 बॉयज़ थे और दो गाड़ियाँ थी। और फिर शहीद भाई और अपने बॉयज़ को ज्वाइन करने के बाद हम रुके चिप्स लेने, इसे इरफान भाई ने कहा ज़रूरी नहीं है वो तो अच्छा है। हमारे पास दो रूट्स थे, एक ये था कि हम जाएं नॉर्दर्न बाईपास से होते हुए और एक था कि हम जाएं लियारी एक्सप्रेस से मंगोपीर से सीधा सोमयानी। रूह से पाती हुई धुन ये इशारे थे, कुछ मेरे राज तेरे राज आवारों से खो गए हम कहां, रंगों सा ये जहां खो गए हम कहां, रंगों सा ये जहां टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जादुई इमारते हैं, मैं भी हूँ तू भी है यहाँ खोई सोई सड़कों पे सितारों। मुश्किलों के बाद हम लोग सोमयानी पहुंच गए थे 8 बजे के करीब, पहुंचना 6 बजे था लेकिन पहुंचे 8 बजे, लेकिन कुछ था ही नहीं रिकॉर्ड करने को, हम आके बैठ गए बस और क्या रिकॉर्ड करता मैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आर्मी में मेस जा रहे हैं खाना खाने, तो जिस चीज के पैसे हैं वही दिखाते हैं। भाई हम लोग आर्मी में से आ गए हैं और यहाँ सारे पैसे इस चीज़ के हैं, यहाँ पे बस अब खाने का इंतज़ार है। अनंत भाई ने बोला था 6 बजे खाना मिलेगा, अभी 10 बज गए हैं और अभी तक भूखे हैं, चिप्स से गुजारा चल रहा है और जिंदा है चिप्स से, बस खाना आएगा ही तो कुछ ब्लॉग बनेगा। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। मैं यहाँ एक रिव्यू ऐड करना चाहूँगा, जैसा बारबेक्यू ये ऑफिसर्स मेस वालों ने बनाया था ना, ऐसा कोई नहीं बना सकता। हम तो बिल्कुल भी नहीं सोमयानी पे बना सकते थे क्योंकि वहाँ इतनी हवा थी, हमसे तो कोयले तक नहीं चलने थे यार। अब मैं यहाँ आपको ट्रिप की सबसे अहम शख्सियत का इंट्रोडक्शन करवाने लगा हूँ, वो है आकिब भाई। आकिब भाई का इंस्टाग्राम पे पेज है जो कि काफ़ी अच्छे सिंगर हैं। मुझे तो लाइव परफॉर्मेंस में इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्राई नॉट टू सिंग चैलेंज चल रहा है, मैं रोक रहा था अपने आप को गाना गाने से। लेकिन आकिब भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपका फ़ैन हो गया हूँ, बाकी आप लोग भी देखें, आप लोग भी ज़रूर फ़ैन ही हो जाएंगे उनके। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई, तो क्या मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सटपड़ा रहता है, खाब तुम या कोई हकीकत कौन तुम बदलाओ। जिनसे दिलों के तूने शीशे तोड़े हिजरी की ऊंची
गिर के ऊंची दीवार बनाई है लंबी जुदाई। फिर ना जाने कैसे यूं ही रात कट गई। चार दिनों दा प्यार हो रबावे लंबी जुदाई। ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। फोटो के जरा से ले हैं खामोशी के सिलसिले, रात थोड़ी गहरी है। असली सीन्स तो अब शुरू हुए हैं भाई। आपका भाई जाएगा थोड़ी देर में डुबकी मारने पानी में, थोड़ी देर में डुबकी मारने जाएगा पानी, उतनी देर आप मेरे बी रोल्स चेक करें। बी रोल्स आगे आगे चलूं मैं पीछे मेरी जिंदगी, थोड़ा सा जी लूं आज मर्जी है मेरी। कच्चे कच्चे रस्तों पे जिंदगी है टेढ़ी सी, रोशन है रात और सुबह मेरी अंधेरी सी। सब फुटबॉल खेल रहे थे, मैंने सोचा मैं क्यों ना खेलूं। मैंने बोला रुकावटें कैसी और आगे का आप खुद देख लें। बीते लम्हों को बुला के पल थोड़े से चुरा के, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए। चलो यार, फुटबॉल की कीपिंग कर ली है मैंने थोड़ी सी, अब मैं जा रहा हूँ वहाँ वहाँ तक पहुँचना है, तो जब तक आप हाई पर लैब देखने वहाँ तक का। तो भाई ये लोग कुछ लोग हैं जो हमारे साथ आए हुए हैं। अहमद भाई अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएं, आप थोड़ा सा तारुफ करवाएं फिर बोले। अहमद भाई मेरा नाम अहमद है, मैं गुलिस्तान जोर में रहता हूँ। गुलिस्तान जैसा दिखता है शहर में। आगे फिर वीडियो में कोई मसला आ गया था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये हैं एसएम भाई, इनको हम कभी जोजी भी कह देते हैं, और ये आशिर भाई जिनको मैं पूरी ट्रिप में हाशिर हाशिर कहता आ रहा हूँ, लेकिन इनका नाम आशिर था, और ये अहमद जेब जिनको हम कभी मजाक में अहमद रजा भी कह देते हैं। Few moments later, अभी आपसे मिलते हैं हम लोग शूट करते हुए, या तो फिर आर्मी मेस में मिलते हैं लोगों से, मैं बैठ जाऊंगा साथ ही। और फिर सारे बॉयज इंक्लूडिंग मी जाके तैयार हुए, क्योंकि हमने कराना था एक प्यारा सा फोटोशूट, तो आप लोग पिक्चर्स देखें। फिर सारे बॉयज़ ने अपना सामान पैक किया, और मेरे भाई ने हमसे पूछा क्यों ना कहीं लोकल जगह से नाश्ता किया जाए, एंड वी ऑल एग्रीड। अभी हम लोग नहा धो गए, सब करके कपड़े चेंज करके अभी हम आए न्यू शेयर होटल, अनंत साहब लेकर आए ना यार, अब तो आ जाओ ब्लॉग में, इतने प्यारे लग रहे हैं। At the end of the day, we enjoyed a lot. This is Nameer Usmani signing off.